हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलाक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस 6283 एम्पलीफायर के रिपेयरिंग और वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, पूरी तरीके से यहाँ पे ये डैमेज है, देख सकते हो। इसका वायरिंग भी टूट चुका है और इसमें जो लगे हुए जो सामान है वो भी मतलब देखने से तो लगता है ख़राब है और कुछ सही है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल तरीक़ा से यहाँ पर पूरा कटा पड़ा है। और दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं और उसके कारण बहुत सारे ये एम्पलीफायर आपको सभी के पास होता है। तो इसमें जो भी वायरिंग का भी फॉल्ट होगा या कुछ प्रॉब्लम का, इस वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आपको पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसमें सामान लगे हुए उसको चेक करेंगे कि कौन सा हमारा काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ये इसका टॉप वाला भाग है जो कि यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है इसमें। तो ये स्पीकर भी डैमेज है, देख सकते हो, ये इधर से ये धंसा हुआ है, लगभग ये भी डैमेज ही है। तो इसको साइड में हम रख लेते हैं। और यहाँ पर ये इसमें ट्रांसफार्मर है, इसको हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो, इस बोर्ड में जो आईसी लगे हुए हैं 6283 का है और इसमें जो आईसी लगे हुए हैं वो इसमें ब्लास्ट हो चुका है, जिसके कारण ये एम्पलीफायर ख़राब हो चुका है। इसको आईसी चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ यहाँ पे बैक साइड में देख सकते हो, ये काफ़ी पुराना एम्पलीफायर है, इसका स्पीकर सॉकेट ख़राब हो चुका है और यहाँ पर इसका स्विच लगभग ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, बट ये देखने से तो लगता है कि ख़राब होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत जंग लगे हुए हैं, देख सकते हो। तो और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर सब लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, ये डुअल चैनल का है लेकिन यहाँ पे सिंगल चैनल का दिया गया है। सस्ते में आपको क्या मिलेगा, सिंगल ही चैनल मिलेगा, डबल चैनल दे नहीं सकता। और यहाँ पर 12 वोल्ट जो आपका डीसी सप्लाई होगा उसे चला सकते हो। और यहाँ पर पैनल का भी कंडीशन बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें जो सामान ख़राब है उसको हम चेंज करके नया डालते हैं और इसको थोड़ा साफ़ करके इसमें हम कंपोनेंट को ये लगाते हैं, स्पीकर सॉकेट, फिर यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पे हमें मॉड्यूल भी चेक कर लेंगे कि हमारा ख़राब है कि सही है, लेकिन देखने से तो लगता है हमारा दोस्तों ख़राब ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ ख़राब हो चुका है तो ये कौन सा सही रहेगा, ये भी ख़राब ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम सभी को यहाँ पे लगा लेते हैं। हालांकि पोटेंशियोमीटर यहाँ पे अच्छा से काम कर रहा है, ये सही होगा, बस इसको हम साफ़ सफाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना भी इसमें पार्ट डैमेज है उसको हम चेंज कर लेते हैं और इसको साफ़ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको स्टेप बाई स्टेप आपको वायरिंग के बारे में बताएँगे और इसके थोड़ा डिटेल्स के बारे में भी बताएँगे, ठीक है। तो चलिए, फटाफट हम इसको सामान को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे पुराने पार्ट को निकाल कर यहाँ पे जो नया है उसको मैंने लगा दिया है। अब हम इसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा दोस्तों, वो मैं आपको बाद में लगा कर दिखाऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो फिर आपका जो यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं और 1 वॉल्यूम, उसका कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया, उसको मैं लास्ट में लगाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 6283 का सिंगल चैनल का बोर्ड है, तो बहुत सारे भाई ये भी कहेंगे कि हम डुअल क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, जितना भी पोटेंशियोमीटर है सब सिंगल चैनल का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल चैनल को आईसी भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये बोर्ड जो है वो भी सिंगल चैनल का ही यूज किया गया है। तो चलिए, हम इसके वायरिंग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे पीछे आप एक स्विच देखते होंगे 6 पिन वाला, तो इसमें 6 पिन होते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीका से। यहाँ पे 2 पिन बीच में, 2 पिन नीचे, 2 पिन ऊपर। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, 2 पिन जो है बीच वाला उसमें से 2 वायर लेना है और स्पीकर जो यहाँ पर आउटपुट करेगा, ये स्पीकर आउटपुट होगा, एक यहाँ से आउटपुट होगा और ये ग्राउंड होगा, मेन यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा,
यहाँ से दोनों वायर उठाकर हमें इस स्विच के बीच वाले में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरीका से कनेक्शन करना होगा। यहाँ से जो दो आउटपुट होगा, एक ग्राउंड और एक मेन आउटपुट, सो वो दोनों वायर हमारा इस स्विच के बीच वाले दोनों पिन में जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे, यहाँ पे जो स्पीकर का सॉकेट है दोस्तों उसको, बीच वाला जो दोनों है उसको एक साथ कनेक्शन कर देंगे, ये दोनों को और ये दोनों को इस तरीका से कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों जो माइनस है पीछे वाला उसको एक साथ मैंने शॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद जो हमारा प्लस है उसको भी एक साथ प्लस में और प्लस में हम कनेक्शन कर देंगे। कुछ इस तरीका से इसमें जम्पर लगा देना है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें और इसमें दो वायर निकालेंगे, और इसके जो नीचे वाला पिन है, दो नीचे वाला पिन, उसमें हम कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका जो नीचे वाला दो पिन है उसमें देना है, आप ऊपर में भी दे सकते हो या नीचे में भी दे सकते हो, लेकिन ये जो हमारा बोर्ड से जो ऑडियो आउटपुट होता है उसको हमेशा बीच में ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा स्पीकर सॉकेट में जाएगा उसको आप ऊपर भी जोड़ सकते हो चाहे नीचे भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो नीचे का जो दो पिन है उसमें मैंने सोल्डिंग कर दिया है, और ये दोनों वायर को लेकर हम इस स्पीकर सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे बेस टेबल के लिए दो पोटेंशियोमीटर दिया गया है, तो इसका कनेक्शन किस तरीका से होगा दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल है। बट इसमें क्या है दोस्तों कि आपको बेस टेबल सिर्फ नाम का है लेकिन कोई काम का होता नहीं है। तीन पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं जो कि एक बेस का एक टेबल का होता है, और बाकी इसका कोई काम नहीं होता है और अच्छा से काम भी नहीं करता है, सिर्फ नाम का होता है कि इसमें हाँ बेस टेबल हमारा चल रहा है, ठीक है, बाकी वो अच्छा से काम करता नहीं है। तो इसको किस तरीका से इसका कनेक्शन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाले पिन पे एक 104 का पीएफ लगा हुआ है, और बीच से हमारा एक वायर लेकर इस पोटेंशियोमीटर के साइड वाला में चला जाता है, और उसके बाद क्या करेंगे कि एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाला जो होगा आउट, यहाँ से उसको हम इस साइड वाले में हम कनेक्शन कर देंगे फर्स्ट वाले पिन में। यहाँ पे इस तरीका से इसका कनेक्शन हो गया है, और बाकी ये जो खाली पिन बचा हुआ उसका कोई काम नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इन दो वायर लेंगे और यहाँ पे जो मेन पोटेंशियोमीटर है उसके बीच वाले में हम एक वायर को ले लेंगे और एक तीसरे नंबर में ले लेंगे जो कि हमारा ग्राउंड होता है। तो यहाँ से इस तरीका से दो वायर को कनेक्शन कर लेना है। मैं आपको अच्छे से तरीका से दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरीका से इसमें कनेक्शन करना है, इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले में ले लेना है, और उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों वायर को लेकर हम जहाँ ऑडियो इनपुट होता है हमारा, यहाँ पर ये ऑडियो इनपुट है, अगर 6283 के सिंगल चैनल वायरिंग के बारे में नहीं पता है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर के बीच वाला वायर है जो कि ऑरेंज कलर का है उसको हम यहाँ पे ऑडियो इनपुट के मेन में दे देंगे, और बाकी जो हमारा येलो कलर का है वो ग्राउंड है तो उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑडियो इनपुट का हो गया, साथ में बेस टेबल का, तो इसका भी कनेक्शन हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार्ड में ऑडियो इनपुट होगा इस एम्पलीफायर में, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जिसका कनेक्टर होता है जो कि बीच में हमारा ग्राउंड होता है और बाकी दोनों लेफ्ट राइट होता है, तो ये सिंगल चैनल है तो दोनों चैनल को लेफ्ट राइट को एक साथ जोड़ लेंगे, तो एक साथ जोड़ने पर लेफ्ट राइट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। और ये ग्राउंड है बीच वाला, तो यहाँ पर जो मैंने 104 का पीएफ लगाया हुआ था, 104 नंबर का, उसमें हम ये लेफ्ट राइट वाले को कनेक्शन कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा ये एक बीच वाला पिन बचा है तो उसको हम यहाँ पे जो वॉल्यूम के तीसरे नंबर पिन जो हमारा ग्राउंड था उसमें इसका कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट होता है यहाँ से उसका कनेक्टर का दोनों वायर जो लेफ्ट राइट होता है उसको मैंने यहाँ पर
पोटेंशियोमीटर के यहाँ पे जो पिन 104J का लगा हुआ था उसमें मैंने लगा दिया है। अब जो ग्राउंड है उसको मैंने वॉल्यूम के साथ ग्राउंड कर दिया है। अब ये पिन दोस्तों हमारा यहाँ चला जाएगा जो कि हमारा लेफ्ट राइट आउटपुट होता है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इस कार्ड को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट का कनेक्शन करना होगा, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या है कि 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मेरा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, इसका जो थर्ड नंबर पिन है उसको हम ऊपर के साइड मोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा आउटपुट 5 वोल्ट करता है और जो फर्स्ट वाला पिन है वो उसमें हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे इनपुट देंगे, और इसमें बीच वाला ग्राउंड है। इस दोनों पिन को हम यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो मेन सप्लाई पे है, जो इस साइड पे आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला है और उस साइड वाला हमारा प्लस है, तो उसको हम उसके साथ कनेक्शन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीका से। जो हमारा बीच वाला लेग है उसको माइनस के साथ करेंगे, तो इस तरीका से इसको उल्टा करके लगाना होगा, क्योंकि जो हमारा बीच वाला लेग है वो हमारा ग्राउंड के साथ होगा और जो फर्स्ट नंबर पिन होगा वो हमारा प्लस के साथ होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर वाला पिन पे हम इसको डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें इसमें जितना हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, जिससे हमें कार चलाने के लिए यहाँ पे इस पर सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा, और ये रहा इसका आउटपुट 5 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका जो कनेक्टर होता है इस कार्ड का, तो यहाँ पे इसको माइनस प्लस को देखते हुए हम इसको कनेक्शन कर देंगे। तो जो इस वायर में प्लस होगा उसको हम यहाँ पे तीसरे नंबर पिन पे हम लगा देंगे, और जो ग्राउंड होगा उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमारा कार्ड लगे हुए हैं उसमें हम इसको लगा देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट इसको सप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम इस स्पीकर का कनेक्शन करेंगे, तो इसमें हम 2 वायर लगा देंगे इसमें, और इसके बाद जो हमारा इसका कनेक्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 6 पिन वाला आप स्विच देख रहे हो यहाँ पे, तो बीच वाला जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये बोर्ड से लिया गया है, जो कि यहाँ से आउटपुट करेगा, और यहाँ से नीचे में मैंने कनेक्शन किया था जो कि सॉकेट लगा हुआ है यहाँ बैक साइड में, जो एक्स्ट्रा आप स्पीकर लगाओ तो उसके लिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, और 2 पिन ऊपर जो बचा हुआ है उसमें हम इस दोनों वायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये दोनों स्पीकर का वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दोस्तों अब इसमें हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों इसमें जो ट्रांसफार्मर लगेगा 901 एम्पियर 1201 एम्पियर आप दोनों यूज कर सकते हो, ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है वो सिंगल चैनल का ही है, अगर डुअल चैनल का होता तो 1 से 1.5 एम्पियर काफ़ी रहता। तो आप इसमें 09 अगर यूज करते हो 1 एम्पियर में वो भी चल जाएगा, और 12.0 यूज करते हो 1 एम्पियर में वो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ 12.0.12 है, तो इसको मैं सिर्फ 0.12 को यूज में लूँगा, क्योंकि मेरे पास 0.12 अवेलेबल नहीं था ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे 12.0.12 का ही यूज करने वाला हूँ। तो जो हमारा एक साइड का जो 12 होगा उसको हम इसी तरीका से मोरकट साइड में कर देंगे, तो जो हमारा 0.12 बचेगा दोस्तों उसको हम सिर्फ ये यूज में लेंगे। तो चलिए हम इसको इस बॉडी में टाइट कर लेते हैं, फिर हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लगा दिया है, अब हम इसमें कनेक्शन जो करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत कम जगह है इसीलिए आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे जो था 0.12 उसको हम यहाँ पे सिर्फ वायर को लेंगे, क्योंकि इसमें 0.12 का ही कनेक्शन होगा। तो ये दोनों जो 0.12 दोस्तों वायर आप देख रहे हो उसका कनेक्शन जहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ इस बोर्ड पे उसमें करेंगे, तो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसका जो कनेक्शन होगा दोस्तों 0.12 इसमें इस दोनों में होगा, यहाँ पे जो 2 प्रिंट बना हुआ है इसमें दोनों का कनेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे इसका सप्लाई हो चुका है, अब
यहाँ पे जो वायर है उसका कनेक्शन जो होगा इस वॉल्यूम के साथ होगा, क्योंकि इसका स्विच यहाँ से ही काम करेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बैक साइड में दो पिन आपको दिख रहा है, ये स्विच के लिए यूज करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का एक वायर को हम लेकर इसके वॉल्यूम वाले के बैक साइड में जो पिन बना हुआ है उसमें हम लगा देंगे। ट्रांसफार्मर का एक वायर हम लगा देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये वायर लगाना है, आप ये भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में किसी एक पिन में इसका कनेक्शन कर देना है, यहाँ पे ये इसके साथ कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा मेन वायर होता है ये वाला, इसका जो पिन होगा इस साइड से लगा देंगे यहाँ पे। ये जो दो मेन वायर है दोस्तों, उसका एक वायर को हम इस वॉल्यूम के बैक साइड में जो खाली पिन बचा हुआ है उसमें कनेक्शन कर देंगे, और दूसरा वाला जो बचा हुआ है दोस्तों वायर यहाँ पे इस वायर का, तो जो ट्रांसफार्मर का एक वायर बचा हुआ है उसका हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। इसमें हम एक कवर लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कवर लगा दिया दोस्तों, और इसको हम साइड में ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्शन बचा हुआ है जो कि रहा हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई का। तो इसमें हम दो वायर लेकर डायरेक्ट यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आप इसको बैटरी से चलाना चाहते हो तो आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो। तो इसका कनेक्शन हम वायर को यहाँ से लगा देते हैं। जो हमारा प्लस है वो ऑरेंज कलर वाला है, और जो माइनस है वो हमारा येलो कलर का है। यहाँ से दो वायर मैंने ले लिया है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे, जिससे हम अगर बैटरी से इसमें चलाना चाहें तो ये हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। चाहे तो दोस्तों आप एक यहाँ पे एक डायोड भी लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारा जो करंट होगा वो रिवर्स नहीं आएगा, और जो माइनस होगा उसको हम माइनस के साथ कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ बैटरी का कनेक्शन। यहाँ पे जो दो पिन बने हुए हैं बैटरी का, उसमें मैंने दो वायर लिया है, जो कि रेड वाला हमारा ऑरेंज कलर का है और ब्लैक वाला हमारा येलो कलर का है। ये दोनों वायर उठाकर हमें क्या करना है कि जो 6283 का यहाँ पे सप्लाई के लिए बोर्ड होता है यहाँ पे ये वाला, उस पर हमें डायरेक्ट लगा देना है, माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ। जैसे इसमें हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये हमारा काम करने लगेगा, ये बैटरी से हमारा काम करेगा दोस्तों। ये बैटरी का कनेक्शन करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें जो हमारा एक LED सामने में लगा हुआ है उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो LED का जो हमारा ग्राउंड है वो वॉल्यूम के साथ ही यहाँ पे इसमें लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो LED है उसका कनेक्शन जो ग्राउंड है वो वॉल्यूम के साथ लगा दिया गया है, और जो प्लस है उसके साथ हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कि खाली है। तो उसको यहाँ से वायर को लेकर और यहाँ पे जो 12 वोल्ट यहाँ पे प्लस होता है इसमें हम लगा देंगे, जिससे हमारा इसमें जब सप्लाई आएगा तो हमारा ये LED ग्लो करेगा, तो पता चलेगा कि इसमें हमारा सप्लाई आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर से लगा लेते हैं अब इसका कवर को, और फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये हमारा किस तरीका से काम करता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, अब हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ तो यहाँ पे ऑन करते ही यहाँ पे जो हमारा LED है वो ग्लो करने लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कोई खास इसका बेस टेबल नहीं है, सिर्फ नाम के दिया गया है, बाकी इसका कोई काम है नहीं। देख सकते हो मैंने आपको पहले ही बताया था ये सिर्फ नाम का है। तो ये बहुत अच्छा तरीका से काम कर रहा है, और थोड़ा हम पीछे आपको दिखा देते हैं। मैंने इसमें स्क्रू अभी टाइट नहीं किया है, इसको हम बाद में स्क्रू टाइट कर लेंगे। जो यहाँ पे 6 पिन वाला आपको एक मैंने स्विच दिखाया हुआ था, इसका फंक्शन यही है कि जब हम इसको ऊपर करेंगे तो इसमें जो स्पीकर लगाएंगे
वो हमारा काम करने लगेगा, और जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा काम करने लगेगा। एक साथ आप इसमें दो स्पीकर यूज नहीं कर सकते हो, या दो ये जो स्पीकर है वो, या जो बाहर स्पीकर लगा हुआ है वो, दोनों में से कोई एक बार में ही बजा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं बजा सकते हो, क्योंकि ये जो आईसी है एक ही चैनल का है, इसमें डुअल चैनल नहीं है, इसलिए लोड ज़्यादा ना पड़े इसलिए सा सिस्टम इसमें किया गया है। तो देख सकते हो जैसे मैं ऊपर करता हूँ तो ये वाला काम करना बंद कर देता है, नीचे जो करता हूँ तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर बंद हो जाएगा। आप अगर बैटरी से चलाना चाहते हो तो आप इसमें डीसी सप्लाई देकर इसको चला सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, और इसका जो वायरिंग है दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से दिखा दिया है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप अपने एम्पलीफायर का कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।